ओ भाई ये बाइक कितना औसम है यार। ये B4 करने से पहले हम कभी सोचता नहीं था B4 चला कितना कंफर्टेबल होते हैं। तो हेलो एंड वेलकम। आके इतना थी तो चश्मा क्यों चाहिए यार। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग है और ये फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग का साथ साथ में हम लोग को ऐसा एक टेम्पल लेकर आया जो कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में बहुत फेमस है। और ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग है, मेरा मोटो ब्लॉगिंग का इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वीडियो में कुछ कमी रहने से भी हम लोग खारा मत पाएगा और नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करूँगा कि इससे भी अच्छा वीडियो आए। तो फिर चलिए चलते हैं, आप लोग वीडियो कॉन्टैक्ट बनी रही। सो गाइस आज मैं मोटो ब्लॉगिंग का साथ साथ में एक ही नहीं दो दो टेम्पल से विजिट करा दूंगा जो कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है। ट्रेन का ट्रैक पे पहुंच गया। ये है हनुमान मंदिर सिलापट्टा रेलवे ट्रैक का सामने में है। और ये देखिए ये बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है, इसका नाइट व्यू हम रात को दिखा दूंगा लोगों। गाइस थोड़ा जल्दी चलते हैं, रात का भी सीन है, सिलापट्टा का नाइट व्यू भी हम लोग को दिखाने वाले हैं आज दुर्गा पूजा में कैसा व्यू आता है रात को। फिलहाल ये बाइक को ये वाला मेला दो तीन दिन जैसे हुआ है, जैसे मेरा 10-15 दिन चला के एक्सपीरियंस आ जाएगा मैं हम लोग को हर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इसका। ये बाइक आप लोग लेना चाहिए या नहीं, ये बाइक का एडवांटेज क्या है, ये बाइक का कमी क्या है। ओ भाई ये बाइक कितना औसम है यार। ये B4 करने से पहले हम कभी सोचता नहीं था B4 चला कितना कंफर्टेबल होते हैं। इसमें रास्ता खराब है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, देखिए बहुत खराब है ये रास्ता। से 7 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक बनाया नहीं है, पता नहीं है ये हाईवे कभी क्यों नहीं बनाए। ये है लेखावाली हाईवे से घुसने का गेट, यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर अंडर घुसने से आप लोग लेखावाली का मालिनी टेम्पल जो मिल जाएगा। सो आप लोग वीडियो कॉन्टेक्ट बने रहिए, मैं आप लोग को हर कुछ दिखा रूँगा मंदिर का। अगर आप लोग मेरा चैनल में नया आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखो ताकि मेरा सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। और बहुत लोग हैं मेरा चैनल में विजिट करते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब के निकल जाते हैं। अपने भाई को सपोर्ट करो यार, आप लोग के लिए मैं कल से डेली मोटर ब्लॉगिंग भी बना लूँगा। फाइनली पहुंच गया, नीचे में ये पार्किंग प्लेस है। फाइनली लिखावाली मालिनी मंदिर पहुंच गया, अभी अंदर जाने का टिकट लेगा, अंदर जाने का टिकट तो ले लिया गया। अभी ऊपर जाके दिखा दूंगा आप लोगों को लिखावाली का व्यू कैसे है। ये रहा मालिनी गेट, लेफ्ट साइड से एग्जिट है और ये एंट्री, एंट्री से हम लोग अंदर घुसते हैं। इस तरह का से एंट्री होते हैं। तो ये दीवार में देखो गाइस, पता नहीं भगवान का पिक्चर लगाया हुआ है, कौन कौन सा भगवान का पिक्चर है आप लोग देख के खुद ही गेस कर लो कौन सा भगवान है इसमें। देखो पार्टी स्पॉट को भी मैं दिखा देता हूँ, हम लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये देखो ऊपर जाने का रास्ता इस तरह का है, कहाँ से चलो, यहाँ से जाएगा ना, तो चलिए। देखिए गाइस नीचे का व्यू देखो, पहुँचने वाला है गाइस। फाइनली ये रहा मालिनी मंदिर, ये देखिए मालिनी मंदिर इस तरह का है। और नीचे का व्यू को भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो नीचे का व्यू इस तरह का से देखते हैं। तो चलो चलते और आगे, ये देखिए गाइस मालिनी मंदिर इस तरह का देखते हैं। हम लोग दर्शन नहीं करके क्योंकि बहुत मेज चीट खा के आए घर से, तो मेज चीट खाने से तो अंदर घुसना नहीं मिलते। इसमें तो कुछ दिया गया है गाइस, देखो हम लोग वीडियो को पॉज करके देख सकती है इसको।
ये हील है बोल के सोच रहा था, ये हील नहीं, कोई भगवान का निशान दिया हुआ है ना। मंदिर ऊपर से इस तरह का दिखता है, देखिए। मालिनी मंदिर तो हो गया गैस, अभी फिर रुक्मिणी मंदिर को दिखा देता हूँ, इसके लिए फिर अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ ऊपर में मिलेगा होगा शायद, ऊपर जाके कुछ खा लेते हैं। गाइस फिर यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। और ठंडा पानी होगा, ले ठंडा पानी दीजिए तो। और खाने में क्या क्या है? फाइनली गाइस ये है रुक्मिणी मंदिर, हम लोग देख सकते हो। व्यू देखिए गाइस, रुक्मिणी मंदिर का ऊपर से इस तरह का व्यू आता है, देखिए बहुत खूबसूरत सा व्यू आता है ना। रेस्ट हाउस, और ये भी रेस्ट हाउस ही है, ये भी रेस्ट कर लेते हैं। और व्यू देखिए गाइस, रुक्मिणी मंदिर का ऊपर से इस तरह का व्यू आता है। ये है गाइस मालिनी मंदिर का बाजार को भी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। तो गाइस आज का मालिनी मंदिर का ब्लॉग यही था, अभी फिर रात का भी सीन है, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम सिलापत्थर जाने वाले हैं आज रात, तो इसका भी नाइट व्यू दिखा दूंगा आप लोगों को, तो चलिए देखते रहिए आप लोग। सो गाइस हम लोग सिलापत्थर में पहुंच गया है, और आप लोगों को मैं सिलापत्थर का नाइट व्यू दिखाने वाला हूँ पूजा में कैसा होता है। और मेरा साथ में ये मेरा नाइसी है, और वो पीछे में दीदी है, ये दिखा दे रहा होगा। सिलापत्थर का नाइट व्यू इस तरह का देखते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, और मैं जो भी बोल रहे हैं आप लोग सुनाई नहीं दे रहा होगा आप लोग से। व्यू देखो, सिर्फ व्यू देखो, व्यू देखो, और भी भर्ती हो जाएगा बाद में जाके। ये चलते चलते थक गया, पूरा गर्मी पसीना आ गया बॉडी में, तो यही थोड़ा ठंडा कराने के लिए।
गाइस आज का वीडियो यही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स।